Green element 1 out of 8. So hello gamers, Raptor IT here. तो भाई मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक फ्रेश और कमाल के वीडियो में। तो भाई ये देख रहे हो भाई मेरा पुराना घर या हक्कू सा घर है ना। बस भाई ये एक पुराना घर मुझे बनाने में हार्डली एक घंटा लगा होगा। और भाई बस मैंने बना लिया अपना घर, जो कि भाई बनाने में मुझे पूरे 200 दिन लगे हैं एज पर गेम। भाई ये रहा मेरा नया घर। तो भाई यार बताओ यार, कमेंट सेक्शन में बताओ यार घर कैसा लग रहा है। तो इस वीडियो में आप सभी को अपना पूरा घर घुमाने वाला हूँ। तो यार घर का चलो बैकयार्ड पहले हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। तो भाई घर के बैकयार्ड की तरफ बढ़ते बढ़ते भाई अब हम लोग आ चुके हैं मेरे बागान की तरफ। तो भाई बागान में आते ही आप सभी को मेरा तबेला बिक जाएगा। तो और यहाँ पे मैंने 3-4 पेड़ लगा दिए हैं कि इनकेस मुझे लकड़ी की ज़रूरत पड़ जाए, तो मैंने वो लगा दिए हैं। और ये देखो गाइस, ये है मेरा 2 बीघा का खेत। यहाँ पर मैंने अब वीट उगाया है। तो भाई अब मैं हार्वेस्ट करूँगा, फिर भाई ब्रेड बनाऊँगा इन सबसे। और भाई मैंने अपने घर के सभी गेट्स को ऑटोमेटिक कर दिए। तो नाउ ऑनवर्ड्स मुझे गेट्स को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे प्रेशर प्लेट्स रखे हैं, मैं उस पर पैर रखूँगा, मेरा गेट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे अभी दिखाऊंगा डेमो आप सभी को। ये देखो भाई गेट्स खुल गया। यार अभी थोड़ा लैगी जैसा लग रहा है क्योंकि यार मैंने बहुत सारे पेट एनिमल वहाँ पाल लिए। तो भाई ये आते हैं हमारे घर के फ्रंट की तरफ। तो ये है भाई हमारा स्टाफ क्वार्टर्स, ओके। और ये है भाई एक मैंने पूल बनाया था ये मछलियों के लिए। साला ये फिशरमैन भाई यार सब बेच दिया इसने भाई, मेरी फेवरेट मछलियाँ बिक रही हैं यार मरी हुई। भाई क्या ही बोलूँ यार, दिल से बुरा लगता है। और एक बोल भी नहीं सकता गांव वाला भाई, एक बार मार दिया था भाई, सब के सब गांव छोड़ के चले गए। और भाई ये है मेरा घर। तो भाई सबसे पहले आते हैं यहाँ पे हमारे ड्राइंग रूम की तरफ। तो भाई ड्राइंग रूम जो है ये मैंने बनाया है भाई चिल करने के लिए। ये रहा बैठो यहाँ पे भाई, मस्त बॉनफायर वगैरह लगा हुआ है और वहाँ सामने भाई वादियों का मज़ा उठाओ है भाई। बहुत ही अच्छा घर है ये। और नेक्स्ट रूम है भाई ये है हमारा कॉन्फ्रेंस रूम। फ्यूचर में हम लोग अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए भाई इस घर का बहुत यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे भाई मैंने एक प्रॉपर सा कॉन्फ्रेंस रूम बनाया है। और यहाँ पे भाई कॉन्फ्रेंस रूम है ये। और यहाँ पे भाई 55 इंचेस का टीवी लगाया हुआ है जो कि भाई आता है सोनी की तरफ से। भाई बहुत खर्चा हुआ है इस घर को बनाने में। और ये है हमारा एक गेस्ट रूम भाई, ये मैंने बनाया है मान लो इन केस कोई मेरा दोस्त आ गया तो भाई उसको रखने के लिए भी तो कहीं जगह चाहिए ना। और भाई ये आते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। नेक्स्ट रूम है भाई हमारा गार्ड रूम। और भाई ये है भाई हमारे गुप्ता जी जो कि हमारे घर के गार्ड है। और भाई नीचे से हमारा रास्ता जाता है, नीचे का मैं किसी और वीडियो में दिखाऊँगा। और ये भाई इस घर का मेरा पर्सनल फेवरेट रूम है ये। ये है भाई हमारा नेटफ्लिक्स एंड चिल का एरिया। भाई यहाँ पे मैंने 120 इंच का टीवी लगवा के रखा है। और यहाँ पे भाई डोल्बी स्पीकर्स है JBL की तरफ से। भाई यहाँ पे भाई मैं अपना फ्री टाइम भाई आराम से बिताता हूँ भाई, बहुत ही मस्त। यहाँ पे भाई मैंने अरमानी के सोफे लगा के रखे हैं। अरमानी के सोफे भी होते हैं क्या, छोड़ो यार बोलने क्या बोल दिया मैंने। और भाई अब सभी को मैं लेकर चलता हूँ अपने लेबोरेटरी की तरफ। तो भाई लेबोरेटरी भाई ये भी बहुत ही अच्छी जगह, ये देख लो भाई। ये यार ये चीज़ भाई COC के बंदे यार तो पहचाने से लग रहा है ये सारा चीज़ COC वालों को। और भाई ये मेरा है रूम। भाई ये वाला चल क्यों नहीं रहा यार, तो गाना बजता है यार ये, इसमें तो डिस्क डालने पर बजता है लेकिन इसमें तो भाई बिना डिस्क के बज सकता है लेकिन बज नहीं रहा। और भाई हम लोग आ चुके हैं हमारे बैकयार्ड की तरफ। तो भाई बैकयार्ड में भाई मैंने यहाँ पे नहीं फ्रंट यार्ड में ही है अभी भी, सॉरी माय बैड। यहाँ पे भाई मैंने अपने घोड़े पाल रखे हैं। और ये रहे भाई हमारे गधे। भाई घोड़े और गधे, वाह भाई वाह, मौज कर दी भाई पूरा, मतलब एकदम राजाओं वाला भाई मैंने घर बना के रखा है। और भाई आ चुके हैं भाई हम अपने बार में। अरे यार मैं पानी में कैसे गिर गया, शिट। भाई ये रहा हमारा बार। भाई ये बार एरिया है और यहाँ पे पूल साइड में बैठ के मस्त चिल करो। और भाई वो मैंने वहाँ पे 2 गार्ड और 2 बारटेंडर लगा दिए हैं, दोनों भाई काम करते हैं। चलते हैं भाई अब हमारे फर्स्ट फ्लोर के। तो भाई ये फ्लोर को भाई ये देखो, फ्लोर ये होता है। और भाई ये मैंने अपना सिंहासन लगाया है कि गाँव वालों को कभी भी कोई तकलीफ़ होगी तो बिना झिझक किए मुझसे आके अपनी तकलीफ़ें शेयर कर सकेंगे। और भाई
इसे भाई इस पूरे घर की वैल्यूएशन मैं आप सभी को लास्ट में बताऊंगा कि भाई इस घर को बनाने में कितना टाइम कितना पैसा लगा है। और भाई ये है भाई छत का एक क्विक सा टूर दे देता हूँ। ये है भाई हमारा छत, यहाँ से भाई दूर दूर तक की वादियाँ दिखती हैं भाई। अब मेरा प्रोसेसर पुराना नहीं तो भाई मैं आप सबको दिखाता हूँ कि भाई माइनक्राफ्ट असली में कितना सुंदर है। और भाई आ चुके हैं हम अपने बैटल रूम में। भाई मैं जितने भी लड़ाइयाँ जीतता हूँ उनके राजा की तलवार मैं ले आके यहाँ रख देता हूँ। तो भाई आज तक मैंने दो जीती हैं, तो भाई दो तलवारें यहाँ रख दी हैं मैंने। ये रहे भाई मेरे सारे आर्मर और ये रहा भाई हमारा सारा हथियार और टूल्स भाई। और अब आते हैं इस घर की मेन अट्रैक्शन और मेरा पर्सनल रूम। ये है भाई रूम, इसे बोलते हैं रूम। रूम देख रहे हो भाई, लग रहा मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया, लेकिन भाई तुम्हारे भाई ने डिज़ाइन किया है। देख रहे हो रूम, इसे बोलते हैं कैड़ा रूम भाई। ये रूम में भाई जो मैंने वहाँ पे फ्लोरिंग की है भाई, मैंने ये फॉरेन से ला कर भाई फ्लोरिंग करवाई है इसमें। और ये जो रेड रेड दिख रहा है ना नीचे भाई, यहाँ नहीं मिलता है, दूसरी दुनिया से मैं लेके आया हूँ भाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे लेके आया था मैं। A few inches भाई later, वो जो दिख रहे हैं वो A few inches later. भाई बस। और मैं आप सभी को अपने पूरे जीवन की कमाई दिखा रहा हूँ भाई। ये देखो इस रूम में भाई मैंने जितना कमाया और जो बचा हुआ है वो रखा है भाई। ये देखो भाई मेरे डायमंड्स वगैरह दिख गए। ये भाई तो भाई यार नीचे फ्लोर दिख रही है वो भी भाई। छोड़ो अब इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। सो भाई गुड बाय। भाई सब्सक्राइब कर लेना यार।